मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा कि पंडित होके आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या थी। तनाव कहीं भी हो सकता है लेकिन रास्ता निकालना चाहिए। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है चार बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। आप उल्लास में बैठो, हंसी बहुत मुश्किल से मिलती है, रास्ता निकालो तो निकलता है। पद्मावती फिल्म आई, रिलीज नहीं हो रही थी, संजय लीला भंसाली ने रास्ता निकाला, अनुराधा जी पद्मावती का पद्मावत कर दिया, फिल्म रिलीज हो गई। ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री महोदय, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देखें। रास्ता निकालो तो निकलता है, नहीं निकालो तो नहीं निकलता है। सियासत की इतनी सारी बातें कि मैं जानता हूं, ये समझ ही नहीं आ रहा है, लोकतंत्र वोट तंत्र में बदलता जा रहा है। जिसे कहते हैं सब नेता वो है बस नाम का नेता, सदा लेता ही लेता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को मन नहीं देता, किसी को धन नहीं देता, इलेक्शन जीत जाए तो कभी दर्शन नहीं देता। ये तो हालत है। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं तो वहां योगी जी की सरकार आई, मैं राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं, किसी दल का नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं, बस आपके दिल का हूं, आपके मोहब्बत का हूं, मैं हिंदी का व्यक्ति हूं और इस न्यूज 24 का आज आपके सामने, इसलिए राजनीतिक लबादे उतार के सुनिएगा। योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए, उनका जवाब सुनना। मैं राजनीतिक चुटकियां थोड़ी सी सुनाता हूं, ताल से सुनेंगे और मजा आएगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, योगी जी कह रहे हैं, पत्रकारों को तो जल्दी समझना चाहिए कि चाहत के समंदर, जब आपको अच्छा लगने लग जाए तो हाथ मुगले आजम स्टाइल में नहीं, मेरी स्टाइल में हो जाए। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। यही वाला कमाल के, कमाल के, दूसरा सुना दूं ना इससे बढ़िया, ये जी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, सरकार बनी तो उस पर भी मैंने टिप्पणी की, बड़ा कमाल का देश है साहब, अनुराधा जी 100 नंबर डायल करो पुलिस आती है, 100 रुपए दो चली जाती, तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं इस देश में। रास्ता निकालना आना चाहिए आदमी को, अपना रास्ता निकालो आगे बढ़ो। वो एक बेरोजगार बाबा के पास पहुंचा, निर्मा बाबा के पास, बोले बाबा नौकरी नहीं लग रही है, मैं बेरोजगार हूं, क्या करूं, सरकार की तमाम योजनाएं मेरे लिए बेकार है। बाबा ने कहा तुमने क्या किया है, बोले बाबा हमने बीए किया है। तो बाबा ने कहा कि फिर एक बीए और कर लो, बोले उससे क्या होगा, बोले दो बीए होने के बाद तुम भी बाबा बन जाओगे, फिर किसी नौकरी की जरूरत रही नहीं जाएगी। ये तो हाल बाबाओं के भी है, हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है, कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में अनि प्रीत भी मिल सकती है। सब अपने जुगाड़ में है। केजरीवाल जी की सरकार बनी, चार पंक्तियां सुनना, जब मुझे लगेगा कि आप बहुत अच्छा सुनने लग गए हैं तो मैं बहुत अच्छा वाला सुनाना शुरू करूंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो काम करते रहो जो मैंने बताया, कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए। राजनीति से ह्यूमर कैसे निकलता है वो मैं बताता हूं। केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। सब अपने जुगाड़, बड़ा कमाल का देश है, अद्भुत देश है, मुझे तो जगह जगह मनोरंजन दिखाई देता है, मैं तनाव लेता ही नहीं।
राहुल जी को सुनो हंसी आती है, मोदी जी को सुनो खुशी होती है, देश हंसी खुशी से चल रहा है। तनाव क्यों लेना, उल्लास में रहो, तनाव लेना ही नहीं है। चार पंक्तियां और सुनना, आपको आनंद आए तो मुझे बताते चलना। देखिए मैं पहली बार न्यूज 24 में हूं आपके बीच, लेकिन अच्छा लगेगा। कि खुशियां जो पिछले साल थी ये साल ले गया, महंगाई वाला जिन घर की दाल ले गया, लाने गए थे मोदी काला धन विदेश से, पीछे से विजय माल्या सब माल ले गए। बस केवल हंसी की दृष्टि से सुनना, ज्यादा दूर का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। मैंने लिखने में भी ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, केवल हंसी। मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से हंसी देखो, हर विषय से मैं हंसी निकालता हूं। कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो। इस स्कीम पर तो बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई, जानता हूं। तनाव में सब है, इमरान साहब की सरकार आई साहब, आपको पता ही है। किसी पत्रकार ने पूछा, इमरान साहब कमाल हो, बधाई हो, वाह, अब आप क्या करेंगे? इमरान साहब बोले निकाह। सरकार हर जगह देखो, जो इस समय उनकी बेगम है वो भी तनाव में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहां रहें। अगर पीएम हाउस में रहे तो कोई पीएम वहां अपना कार्यकाल 5 साल नहीं पूरा कर पाता, और अगर इमरान साहब के घर रहे बनीगाला वाले में तो कोई बेगम वहां 5 साल पूरे नहीं कर पाता, रहे तो कहां रहे। 19 का चुनाव आने वाला है। एक टिप्पणी आप आनंद के लिए मैं पढ़ता हूं, कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे। जिनको तालियां बजानी चाहिए वो तो मोबाइल पे फोटो खींच रहे। कि ऐसा ना हो कि रंग में ये भंग जमा दे, इस बार इलेक्शन में ना चूना ही लगा दे, लगता है नोट बंदी जीएसटी को देखकर ये जेटली मोदी को केटली न थमा दे। ये जेटली मोदी केवल हंसी है। मैं तो कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर ये मुस्कान बनाए रखना, और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, यही दुआएं, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब।